वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद दीक्षा। 21 मार्च पटवारी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 21 मार्च के पेपर में आए हैं या पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। हम क्वेश्चन डिस्कस करते साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि किस सब्जेक्ट से और किस जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को सिंधिया समाज के समय, सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी? 1810 में बनाई गई थी ग्वालियर को राजधानी। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? शारदा है। इसका मतलब भगत सिंह, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सिंधिया समाज मतलब सिंधिया डायनेस्टी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? इसका मतलब हिंदी के पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, मौर्य वर्ष किसके बाद समाप्त हो गया था? तो बृहद्रथ के बाद मौर्य वर्ष समाप्त हो गया था। इसका मतलब इंडिया के हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। 25वें रैंक के हैं, मतलब 25वें हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से नंबर के हैं, तो 25वें हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यायमूर्ति शरद अरविंद, एक सेकेंड, न्यायमूर्ति वेट अ मिनट हाँ न्यायमूर्ति अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो 21वें नंबर के हैं। इसका मतलब रैंक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन किस नंबर का है। जैसे अभी राज्यपाल के कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये रैंक आपको रखे जाना कि न्यायमूर्ति अरविंद बोबड़े जो है मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। महल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला? 2013 को मिला था वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर होगा? तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, मतलब ये आ गया हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। बोरी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? तो बोरी पता है होशंगाबाद में है। और कब स्थापित किया गया था? 1865 में स्थापित किया गया था। इसका मतलब नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आ रहा है। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश वायसराय का अंतिम वो था, वायसराय था। सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य जो है लोथल से मिलते हैं। ये इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मे भी मुझे लगता है ये लूसेंट से आ रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? तो वो है बिहार गरीबी में। धनखड़ मौत मामले में किस ओलंपिक चैंपियन को रेलवे के अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है? तो सुशील कुमार को निलंबित कर दिया गया है धनखड़ मौत मामले में किस ओलंपिक चैंपियन को। तो ये करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग जो है जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से लागू हुआ था? 12 अप्रैल 2005 से हुआ था। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेनाजिंग नार्गे पुरस्कार कब मिला? तो 29 अगस्त 2020 को मिला, मतलब 2020 का भी करंट अफेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पैरा स्विमर जो है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये भी पूछा जा सकता है कि सत्येंद्र सिंह लोहिया किस उससे उनको मिला हुआ, तो पैरा स्विमर है इससे मिला हुआ है। उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को क्या बोलते हैं? तो उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को कहते हैं वायु प्रदूषण। गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया था? हुणों ने किया था। होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने की थी? 1926 में महाराजा यशवंत होलकर ने की थी। होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना जो है 1926 में महाराजा यशवंत राव होलकर द्वारा की गई थी। गैल्वेनीकरण करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। रूप सिंह स्टेडियम का पहला मैच कब हुआ था? 22 जनवरी 1988 को हुआ था। भारतीय संविधान में का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीन्स किससे बने होते हैं? तो जीन्स जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। मध्य प्रदेश में 2020 कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे? 30 लाख। मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे? 30 लाख लोग थे। चक्रव्यूह चरुआ मंदिर किससे संबंधित शिलालेख है? चक्रव्यूह चरुआ तो मोढ़ी लिपि के शिलालेख हैं, चक्रव्यूह के उस पे मोढ़ी लिपि के शिलालेख से क्वेश्चन आया हुआ है। 180 में कितनी कैलोरीज होती हैं? 180 में 7.3 किलो कैलोरी होती हैं। मेघा परमार का संबंध किससे है? तो मेघा परमार पर्वतरोही हैं। विश्व संघाई की दिवस कब गठित किया गया था? 20 अक्टूबर 2010 को गठित किया गया था।
विश्व सांख्यिकी दिवस। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र जो होता है वो बल होता है। ग्वालियर में मंदिर मंदिर में कौन सी लिपि लिखी गई है? तो प्राचीन उत्तर गुप्त लिखी लिपि लिखी गई है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो 21% ऑक्सीजन है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि को मापने की जो एसआई यूनिट है उसको क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। मानुष की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट होनी चाहिए। तो कुछ कॉमन बेसिस क्वेश्चन थे। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य जो है होशंगाबाद से, देखिए इसका स्थापना भी आ गई थी और जिला भी आ गया। ऊतक किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। अमीनो अम्ल कौन से समूह से संबंधित है? तो NH2COOH से संबंधित है। फिर आ जाते हैं, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो समारोह से क्वेश्चन आया हुआ है, ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। हृदय कौन से ऊतक से बना हुआ होता है? तो पेशी ऊतक से बना हुआ होता है। हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा होता है? वो होता है नाइट्रोजन। मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? आयुध कारखाने कितने हैं? 6 हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रेसाइट की मात्रा अधिक होती है। कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रेसाइट के कोयले में ज्यादा होती है। फैट का फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ है। एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं? तो 3 हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो स्लाइनेक्स। देखिए इसमें जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है स्लाइनेक्स युद्ध होता है। और किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर लगाया गया है? किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं? अनुच्छेद 246 में पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। असीरगढ़ के किले को सबसे ऊपर जामा मस्जिद, असीरगढ़ के किले सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आदिल शाह चतुर ने कराया था। अपर लोक वोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 हैं। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी था? तो गांधार की था। तक्षशिला जो है गांधार की था। डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें अधिकतम 17.8 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का होता है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का होता है। नवरात्र में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है नवरात्र में। कवक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, कवक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसे फंजाई कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है वायुमंडल की ऊपरी भाग। ध्रुवीय ज्योति का घर कहता है वायुमंडल का ऊपरी भाग। गढ़ गौड़ नेत्र शिवपुर में कब मनाया जाता है? तो वो चैत्र मास में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सिम्बेक्स किन सैन्य अभ्यास भारत के किसके बीच होता है? सिंगापुर पे होता है। पुस्तक मेज पर रखिए, इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, यह कैसा वाच्य है? भाववाच्य है। जो प्रमाण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रणमय। प्रणमय, प्रणमय। जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, ये क्या है? जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, ये लोकोक्ति है। हे एवं अजी किस प्रकार के कारक है? संबोधन कारक है। हर्ष यातना पीड़ा खेद उपरोक्त इनमें से कौन सा संगत है? हर्ष असंगत है। क्या होता है कि हर्ष असंगत है क्योंकि यातना पीड़ा खेद ये एक समूह के, और हर्ष जो है ये खुशी का होता है, इसलिए इसमें ये दिया। तो ये रहे हमारे कुछ 21 मार्च के क्वेश्चन, और इसी तरह मैं और क्वेश्चन लेके आती रहूंगी। और आप होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जरूर सफलता मिलती है। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।